प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है, खास करके ग्वालियर चंबल संभाग के युवाओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है और इसकी पहल की है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो क्या है ये सौगात और कब युवा इसका उठा पाएंगे लाभ, हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं अभी तक। दरअसल ग्वालियर में अब जल्द ही बनने जा रहा है एक आईटी और स्टार्टअप का हब। जी हाँ, देश में खुले 24 सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स में से एक सेंटर अब ग्वालियर में खुलने जा रहा है और यह सब हुआ है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत। दरअसल कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ी मांग देश के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से की थी। उन्होंने इसके लिए अश्विनी वैष्णव को एक पत्र भी लिखा था। सिंधिया ने इस पत्र में लिखा था कि आपके मंत्रालय के विभाग एसटीपीआई द्वारा 24 सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप खोले जा रहे हैं, आपसे निवेदन है कि इसका एक सेंटर ग्वालियर में भी खुले। आज से 10 दिन पहले लिखे हुए इस पत्र के बाद एक बड़ा अपडेट आया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस मांग को आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने मान लिया है और अब जल्द ही एसटीपीआई की एक टीम ग्वालियर का निरीक्षण करने आ रही है। सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का यह केंद्र खुले जाने के बाद ग्वालियर एक स्टार्टअप हब के रूप में विकसित होगा। इस नए सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में ग्वालियर के युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, स्टार्टअप को शुरुआती दौर में मदद मिलेगी और वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकेंगे। ये केंद्र ग्वालियर को आईटी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के विकास के लिए पहले भी कई पहल कर चुके हैं और इसके लिए वो राज्य सरकार और सीएम मोहन के साथ भी सामंजस्य बैठाकर लगातार काम कर रहे हैं। इससे पहले भी वो नई शिक्षा केंद्र खोलने और इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगाने की मांग कर चुके हैं। इसके पहले ग्वालियर को 6 लेन आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर की सौगात भी मिली थी, जिसे हाल ही में कैबिनेट में मंजूरी मिली थी। अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत एक और सौगात एमपी को मिलने जा रही है, जिसका लाभ प्रदेश के युवा उठा पाएंगे। एमपी से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।